डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना पुलिस ने राजपुर गांव में चचेरे देवर की हत्या के आरोप में आरोपी भाभी को आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भाभी ने चचेरे देवर द्वारा उससे छेड़छाड़ व ज्यादती की कोशिश करने पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थानाधिकारी तेज सिंह ने बताया कि राजपुर गांव निवासी चंदूलाल पुत्र कालूजी ननोमा ने 29 जुलाई को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि 28 जुलाई को शाम के समय बहू बसंती देवी पत्नी नरेश ननोमा ने फोन कर बताया था कि उसके जेठजी मनीलाल पुत्र कालू उर्फ रणछोड़लाल ननोमा मीना और जेठानी लक्ष्मी पत्नी कन्हैयालाल ननोमा मीना के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है। इस दौरान लक्ष्मी ने मनीलाल की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। वही मौके से फरार हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। वही आज आरोपी महिला लक्ष्मी ननोमा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि चचेरे देवर मनीलाल उसके घर पर आया था और उसे अकेला पाकर उससे छेड़छाड़ करने लगा और उसे ज्यादती करने की कोशिश की, जिस पर उसने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इधर पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई में सीआई तेज सिंह सांदू, लोकेंद्र सिंह और महिला कांस्टेबल निशा शामिल है। बाइक तेज सिंह, सीआई धम्बोला थाना डूंगरपुर। दिनांक 29/7/2024 को प्रार्थी श्री चंदूलाल सनोप कालू ननोमा निवासी राजपुर ने एक रिपोर्ट दी कि मेरे भाई मणिलाल सनोप कालू की हत्या लक्ष्मी वाइफ ऑफ कन्हैयालाल ने कर दी है, जिस पर मौके पर गए, सबको कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करा गया, मुकदमा दर्ज किया गया और हत्या के प्रकरण में दौरान अनुसंधान आज आरोपी श्रीमती लक्ष्मी वाइफ ऑफ कन्हैयालाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसे अनुसंधान किया गया, हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गई और अनुसंधान जारी है। आज उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।